अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। मुझे नसीब हुआ अलविदाई जुलूस अहमद खान का जो आज है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, अभी बस निकलने लगे थोड़ी देर में। पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फिर आगे की वीडियो देखें। तो हम वहाँ आ गए हैं जहाँ पे जुलूस होता है। ये स्टॉप है, एक पांच स्टॉप होते हैं वैसे तो। हम इस स्टॉप पे काफ़ी लोग खड़े होते हैं, बड़े अहमद खान के लोग। तो अभी सारे आलम आ रहे हैं, हम बिल्कुल टाइम पे ही पहुँचे। अभी सारे आलम आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारे आलम थे, बहुत सारे जुलझना थे। मेरे ख्याल से 12 जुलझना थे और अमारियाँ थी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊँगी और बताऊँगी कि अमारियाँ क्या होती हैं और किस वजह से हम उनको इस अलविदाई जुलूस में निकालते हैं। अभी सारे आलम आ रहे हैं और इतना रश था, बेहद बेतहाशा रश था। और मैं तो खैर पीछे ही खड़ी भी थी क्योंकि मुझे थोड़ा घबराहट होती है, तो मैं पीछे ही खड़ी होकर ज़्यारत करी थी। मैंने कहा यार खामा खा कहीं लगा जाएगी। तो ये अलम इतने खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। और मुझे नसीब, मुझे ये हुआ कि यार मुझे मेरे नसीब में था ये ज़्यारत करना, क्योंकि 2 साल हो गए थे, मैं 2 साल से ज़्यारत नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कराची में होती थी। मुझे मौका ही नहीं मिलता था आने का। तो आज मम्मा बुआ और मैं साथ में, वैसे हमारा पूरा मोहल्ला साथ आता है, पूरा मोहल्ला आता है, सब आते हैं, तो हम सब इधर ही खड़े होते हैं। और रश आप देख ही रहे हैं कितना रश है, मर्दों का, औरतों का। और अब यहाँ मजलिसें भी होती हैं इस ट्रक में, जो खड़े होकर नोहा खानी होती है, मजलिसें होती हैं। ये जुलूस वैसे हैदराबाद और बाकी शहरों में, हैदराबाद कराची वगैरह में 8 रबीउल को निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ से काफ़ी लोग हैदराबाद भी जाते हैं। तो उन्होंने 6 रबीउल कर दिए ताकि जिस जिसको हैदराबाद जाना हो या कहीं आस के शहरों में जाना हो तो वो अपना आराम से अलविदाई जुलूस कर सकें। और ये यहाँ पे अमारियाँ आ चुकी हैं। अमारियाँ वो होती जिसमें बीबियाँ सफ़र करती थी ऊँटों पर, तो ये उनके ऐसी अमारियाँ होती थी जिनके अंदर बीबियाँ बैठी हुई होती थी। और इसी में ये लोग मदीने से आले रसूल जो है मदीने से करबला गए थे, और करबला से वापस मदीने जब ये जहलुम करके आ रहे थे तो इन्हीं अमारियों में वो लोग मदीने गए थे। तो उसी की शबी हम लोग निकालते हैं अलविदाई जुलूस में, जब पूरा लुटा हुआ काफिला, अब पूरा अपना पूरा घर बार लुटा कर जब वापस मदीने की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसी की सुन्नत और उसी का वो शबी निकालते हैं। और ये लुटा हुआ सामान, 3 अमारियाँ होती हैं वैसे तो, बहुत सारी अमारियाँ होती हैं उस वक्त तो थीं क्योंकि बहुत सारी बीबियाँ थीं, बट यहाँ पे 3 होती हैं, बीबी उम्मे कुलसुम, बीबी जैनब और बीबी उम्मे रुबाब की। और चौथी जो होती है इसमें सारा लुटा हुआ सामान जो होता है वो, जो आप देख सकते हैं अभी इसमें दिखाया भी है मैंने, तो ये होता है। तो हम सब ज़्यारत करते हैं और बहुत दिल उदास होता है, बहुत दिल बैठा हुआ था, क्योंकि जब मैं चश्मे तस्वुर में सब चीज़ें लाती हूँ ना कि कैसे बीबियाँ वापस मदीने लौटी होंगी। और अगर आपने मेरा अरविन का ब्लॉग देखा है तो आप जाके देखें, आपको काफ़ी आइडिया होगा जब चहलम करके बीबियाँ वापस मदीने में पहुँची तो कैसे, क्या उनके दिल के हाल होंगे और किस तरह वो वापस मदीने आएंगे। ऐसा इंकलाब लेकर आई हैं बीबी जैनब के मैं बता नहीं सकता, वरना तो अब तक लोग 10 मुहर्रम और करबला को भूल चुके होते। तो रिवॉल्यूशन वो लाई है जो अब नस्लों में चल रहा है। तो लोग घर में रह ही नहीं पाते, उनको बस होता है कि जाएं यार, वो जुलूस 10 मुहर्रम का जुलूस हो, 8 मुहर्रम का जुलूस हो, अरबईन वॉक हो, करबला जाना हो या फिर अलविदाई जुलूस हो, सब लोग घर से निकल के आते हैं। तो मेरे ख्याल से बीबी का मुआवजा है, बीबी की दुआएं हैं, अजियतें इतने जुल्म सहे इस दिन के लिए, नबी का दीन बच जाए। और उसी नबी का दीन बचाने के बाद जब वो बीबियाँ रिहाई होकर जब मदीने पहुँचते ना, तो वो तो तस्वुर आप ध्यान में बिठा लें कि क्या होगा, जैसे जब वो मदीने पहुँची होंगी, वही मदीने में वो शहजादियों की तरह रहती थी, अब जब वो मदीने पहुँची होंगी तो अपने मदीने को पहचान भी नहीं पा रही थी, कभी वो बाहर निकली नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि जब वो रोज़ा रसूल पे गई होंगी, तब बीबी जैनब को मतलब क्या फील हो रहा होगा कि नाना मैं आपका दीन बचा कर आ गई लेकिन आपके नवासे नहीं रहे, आपकी वो औलाद सबको खोकर आ गई हूँ मैं।
आपके दिन बच गया। और 2 महीने 8 दिन हमारा मुहर्रम होता है, मुहर्रम सफर और 8 रबीउल अव्वल था, हमारा सोग उतरते हैं। तो हर मसाइब आपको रुलाता है, हर कर्बला का नाम सुनते ही आपको रोना आ जाता है। बट जो स्पेशली जो अलविदाई मजालिस के जो मसाइब होते हैं ना, जब वो मदीने रिहाई मदीने पहुँचती हैं, उसके मसाइब तो ऐसे होते हैं कि दिल फटता है कि यार, मतलब मैं तस्वुर में लाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ बीबी कैसे पहुँची होंगी। वज़ा रसूल पर हाजिरी के बाद बीबी फातिमा के कब्र पर गई थी और वहाँ पर बहुत बड़े दर्दनाक मसाइब हैं। बीबी फातिमा की कब्र पर भी, वज़ा रसूल की भी, जिस तरह अल्फाज वो बोलती थी वो मैं बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जस्टिस नहीं दे पाऊँगी इन वर्ड्स को बोल के, कि जो वो ऐसे वो वर्ड बोलते हैं कि आपका कलेजा वाकई फट जाए। ना हुआ बीबी को अलविदा कहने का टाइम हो गया है, 8 रबीउल का हमारा सूख खत्म हो जाता है। आप लोगों को पता ही है, कल लगता है कि 8 तक मजलिसें चलती हैं, तो 8 तक हमारा सूख जाता है। तो आज 6 है, परसों लास्ट है, और पता नहीं अगले साल होंगे कि नहीं होंगे, मजलिस अज़ा नसीब होगी कि नहीं होगी। रोने का मातम करने का हक अदा कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। खैर, सो मुहर्रम की सीरीज मेरी जितनी भी मुहर्रम व्लॉग्स थे वो आज यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। और 9 को हमारी ईद होती है, तो इंशाल्लाह ईद का अगर मैं व्लॉग बनाऊँगी तो ईद का बनाऊँगी। हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, ईद करते हैं। 9 रबीउल का मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी, तो उसमें आप लोगों को बताऊँगी कि मैं हम लोग क्या होता है उस दिन, बेसिकली क्यों ईद होती है और किस चीज़ के बारे में। मुहर्रम यहीं होता है इख्तिताम, और बीबी हमसे जो भी गलती हो गई हो, हमारी गलतियाँ माफ़ फरमा, जितना हमने किया है बीबी को अपनी बारगाह में कबूल करें। और अगले साल अगर रही है उम्र हयाती तो फिर अब करेंगे मजलिस मातम जोर शोर से, और क्योंकि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। चाहे आप लोग कितना भी कर लो, चाहे कोई कितना ही क्यों ना कर ले, दुश्मनी बढ़ जाए मार जाए, लेकिन फिर भी ये चीज़ रुकने वाली ना कभी रुकी है ना ये कभी रुकेगी। वो दीन बचा कर आई है, चाहे उनका घर बाल लुट गया हो, सब कुछ छिन गया हो, लेकिन उनका दीन बच गया हो कि नाना का, जिसके तवसुल से अभी भी आज हम प्राउडली बोलते हैं कि हाँ यार हम मुसलमान हैं। आई होप यू लाइक द व्लॉग। अगर आप क्या मेरी तरफ से ये है, और अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कर दें, काफ़ी लोगों से अवेयरनेस बढ़ेगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल।